तो मेरे भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 5 ग्लिच एंड ट्रिक्स जो कि यहाँ पर इरेंगल मैप के ऊपर होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट कर ले चलते फर्स्ट ट्रिक की तरफ। अब गाइस, यहाँ पर आपको रुइंस में आ जाना एग्जैक्टली इस लोकेशन पे। यहाँ पर आपको एक टावर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको म्यूटेशन ब्लेड आसमान की तरफ छोड़ना है एंड आसमान में रहते हुए आपको एक और बार म्यूटेशन ब्लेड टावर की तरफ एम करके छोड़ देना है और उसके बाद यहाँ पर आप टावर के ऊपर इजिली क्लाइंब कर सकते हो। अब गाइस, इतने ज़्यादा हाइट पे ना कोई भी बंदा आपको स्पॉट नहीं कर पाएगा कि भाई साहब आप यहाँ पर भी छुपे हो सकते हो और यहाँ से आप इजी स्नाइपिंग कर सकते हो। पूरा रुइंस जो है कभी कभी जोन के अंदर रहता है, लास्ट सर्कल में भी बन जाता है, तो उस सिचुएशन में काफ़ी अच्छा यहाँ से स्नाइपिंग कर सकते हो, किल विल उठा सकते हो और चारों तरफ यहाँ पर नज़र रख सकते हो। अब गाइस, ले चलते हैं एक और कमाल के ट्रिक के तरफ। अब गाइस, यहाँ पर रोजॉक में आपको ये वेयर हाउस देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर कार्ड से ओपन होता है, बट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बिना कार्ड के कैसे ओपन होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये गेट जो है ओपन नहीं हो रहा, यहाँ पर कार्ड चाहिए। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक कमाल का ग्लिच बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप इस बंद कमरे के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर ये लकड़ी है, इसके ऊपर आपको चढ़ जाना है और यहाँ पर चढ़ने के बाद आपको हॉवर्ड बोर्ड ओपन कर लेना है और ईजी यहाँ पर आप इसके ऊपर टेलीपोर्ट हो जाओगे। और यहाँ से फर्स्ट फायदा ये है कि आप अपने टीममेट को बता सकते हो बाहर की तरफ बंदे को स्पॉट करके कि भाई साहब देखो यहाँ पर बंदा है, यहाँ पर इस रेलिंग के पास उसको मारो या फिर यहाँ पर बंदा है उसको मारो। तो ये फर्स्ट फायदा। अब गाइस, यहाँ पर सेकंड जो फायदा ये है कि यहाँ पर आपको अपने हॉवर बोर्ड को आगे की तरफ बढ़ाना है और यहाँ पर जंप स्पैम करते ही आप यहाँ पर भाई साहब इस बंद कमरे के अंदर आ जाओगे और यहाँ पर आपको लूट जो रहेगा वो आपको मिल जाएगा, जो भी लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट और जो भी गन होगा, जैसे कि यहाँ पर मुझे AMR गन मिल चुका है। तो गाइस, यहाँ पर बिना कार्ड के इसके अंदर आ सकते हो, यहाँ पर रैंक पुश कर सकते हो, कोई भी एनिमी आपको यहाँ पर मार नहीं पाएगा, अंदर नहीं आ पाएगा जब तक उसके पास कार्ड नहीं होता है। और अगर कार्ड मिल भी गया तो उसको पता नहीं होगा कि आप यहाँ पर अंदर में वेट कर रहे हो उसको मारने के लिए, देख सकते हो। बट यहाँ पर मुसीबत ये कि आप बाहर नहीं जा सकते हो यहाँ से, बट यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं है। इस बॉक्स के ऊपर चढ़ना है, फिर से हॉवर्ड बोर्ड ओपन करना है, आप यहाँ पर फंस जाओगे, फिर से आपको अपने हॉवर्ड बोर्ड को आगे की तरफ करना है एंड यहाँ पर जंप स्पैम यहाँ पर करते चले जाना है। एक दो बार ट्राई करोगे तो आप इजिली यहाँ पर इस घर के बाहर आ सकते हो। तो गाइस, इस ग्लिच के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है यार, कर दो यार, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस, यहाँ पर ले चलते हैं एक और कमाल के ट्रिक की तरफ। सो गाइस, ये जो ट्रिक है वो ब्रिज के पास काम करता है। यहाँ पर आपको एक पेड़ देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको म्यूटेशन ब्लेड ऊपर की तरफ आपको छोड़ देना है एंड आपको यहाँ पर इसके बीच में लैंड करने की कोशिश करनी है और बूम गाइस, कुछ इस प्रकार से आप इस पेड़ के अंदर आ जाओगे और यहाँ पर अटकने के बाद कोई भी एनिमी आपको स्पॉट नहीं कर पाएगा। अगर आप यहां पर ग्रीन कपड़ा पहनकर आते हो तो ट्रस्ट मी गाइस, कोई भी जल्दी आपको स्पॉट नहीं करने वाला है और ब्रिज की तरफ से जो भी बंदे आएंगे या अगल बगल में जिनको भी आप स्पॉट करोगे उनको आप यहां पर बैठे बैठे मार सकते हो। बट यहां पर अगर आपको किसी एनिमी ने स्पॉट कर लिया और वो अगल बगल में है तो वो आपको यहां पर नेट से फिनिश कर सकता है, तो बी केयरफुल ये ट्रिक यूज करने से पहले। यहां पर गाइस, नेक्स्ट ट्रिक करने के लिए आपको ये लाइट हाउस के पास आ जाना है जो कि ब्रिज के पास ही है। यहां पर आपको म्यूटेशन ब्लेड यूज करना है एंड उसके मदद से आप इसके ऊपर भी आ सकते हो। यहाँ पर आने के बाद पूरा का पूरा आप ब्रिज कवर कर सकते हो और जो भी बंदे अगल बगल दिखाई देते हैं उनको कुछ इस प्रकार से मार सकते हो। देख सकते हो, अगर आपके पास स्नाइपर है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर से इस लाइट हाउस के ऊपर से एडवांटेज मिलेगा, चारों तरफ आप स्नाइपिंग कर सकते हो और एनिमी को यहाँ पर सरप्राइज कर सकते हो। अब गाइस, यहाँ पर हमारी लास्ट ट्रिक होने वाली मिलिट्री बेस के पास आपको ये जो टैंकर्स के जो लाइन है ना वो आपको देखने को मिल जाएंगे और कई बार जैसा कि देख सकते हो अभी भी लास्ट सर्कल इस रीजन में बन जाता है। तो यहाँ पर आपको म्यूटेशन ब्लेड यूज़ करना है एंड म्यूटेशन ब्लेड के मदद से आप गाइस यहां पर इस टंकी के ऊपर आ सकते हो और यहां पर इस टंकी के ऊपर आने के बाद भी यहां पर कई सारे एनिमी को आप मार सकते हो, जो भी बंदे अगल बगल में रहेंगे, सी बिल्डिंग में हो या फिर बाहर ओपन में, उनको आप इजीली यहां से टारगेट कर सकते हो। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।